ये मॉडल नंबर है वीडियोकॉन एलईडी का, आप देख लीजिए। मेरे पास ये वीडियोकॉन का 40 इंच का एलईडी आया है रिपेयर में। इसमें पिक्चर परफेक्ट आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है। इस एलईडी में ये पिक्चर रुक रुक के आने का कारण डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तो हम डिस्प्ले में टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है। आप देख सकते हो ये स्केलर पीसीबी है वीडियोकॉन एलईडी की पैनल की, और इसका मॉडल नंबर है T390HVN04.0 और ये AUO कंपनी की पैनल है। आप देखिए ये स्केलर पीसीबी है। ये दो स्केलर पीसीबी के बीच में एक स्ट्रिप वायर है जो दोनों को कनेक्ट करता है, और आप देखिए ये एलवीडीएस केबल जो 10 पैर का है जो फुल एचडी है। वीडियोकॉन एलईडी में एयूओ कंपनी की पैनल ज़्यादातर यूज़ होती है। और आप देखिए डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी आईसी उसे कहते हैं जिसमें से वीजीएल एवीडीडी वीजीएच सप्लाई निकलती है। हमने सब वोल्टेज चेक कर लिया है, सब वोल्टेज सही आ रहे हैं, तो हमें यहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप देखिए LC1 LC2 जो रजिस्टर लगा हुआ है हम उसे ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारा पैनल सही आ रहा है कि नहीं। आप देखिए ये जो ऑरेंज कलर का मैंने राउंड किया हुआ है उसमें जो दो रजिस्टर है हम उसे ओपन करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा पैनल सही हो रहा है कि नहीं। हमने रजिस्टर ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो हमने बहुत ही स्वच्छता से काम किया है जिससे हमारे पैनल में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ये जो दोनों पॉइंट हमने ओपन किए हैं वो LC1 LC2 है। वो LC1 LC2 निकालने पर सही तो हो गया है, पर जो बॉटम में ऐसे झटके मार रहा है आप देखिए पूरे पिक्चर में नहीं हो रहा है, ओनली बॉटम में ही हो रहा है। पूरा पिक्चर क्लियर आ रहा है। आप गौर से देखिए जो रूपा लिखा हुआ आ रहा है वही प्रॉब्लम है, तो अभी हम उसे सही करेंगे जो डबल इमेज हो रहा है। अब देखिए मैंने VGL पे ग्रे वायर लगाया हुआ है और उसे LC1 से कनेक्ट किया हुआ है, और VGH पे मैंने वाइट वायर लगाया हुआ है जिसे मैंने LC2 पे कनेक्ट किया है, जिससे मेरे LED TV का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा और इसी टेक्निक का उपयोग कीजिएगा। इसे बाईपास मेथड भी कहा जाता है जिससे हमने VGL VGH वोल्टेज को बाईपास किया है वाइट और ग्रे वायर के जम्पर के थ्रू। अभी मैं आपको LED ऑन करके दिखाऊंगा। बल्कि रूसी फोर्सेस के एडवांस को रोकने के लिए इसे धाराशाही कराया गया है ताकि रूस की सेना अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सके। कश्मीर का मुद्दा उठाकर इमरान ने सिर्फ खाना पूर्ति नहीं की बल्कि अपने कठिन वक्त में हर विरोधी रवैया दिखाकर खुद
को सेना और सियासत की नजर में मजबूत करने। साढ़े तीन बजे अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और शाम तक मेरे किसान बहनों और भाइयों को कुसुम योजना के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर। आप देख सकते हो हमारे इस वीडियो कॉल एलईडी में डिस्प्ले का फॉल था, जिसमें एक इमेज पे दूसरी इमेज अटक रही थी, तो वो हमने कैसे सॉल्व किया वो आपको स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है और आपको दिखाया भी है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल एंड टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारे ही किसी टेक्नीशियन फ्रेंड के पास ऐसा ही कोई फॉल्ट आता है तो वो हमारे इस वीडियो को देख के अपना वो फॉल्ट सॉल्व कर पाएगा और अपनी इनकम जनरेट कर पाएगा। और ऐसे डिफिकल्ट और मॉडिफिकेशन वाले वीडियो मेरे ख्याल से हमारे ही इस चैनल पे हम दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे मॉडिफिकेशन और बाईपास मेथड वाले वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग दिखाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस मेथड को सॉल्व करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मुझे किसी भी टेक्नीशियन ने हेल्प नहीं की है, तो मैं इसीलिए ये वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, ताकि मेरे जैसे कोई टेक्नीशियन को इस वीडियो से हेल्प मिले और वो अपने खुद की इनकम जनरेट कर पाए और वो कस्टमर संभाल पाए। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर।